हेलो जो, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल टेस्ट के लिए क्लास नंबर 7। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग नेशनल पार्क और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, किसे कहाँ पर सबसे छोटा पार्क है, कौन सा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनरल टेस्ट के जितने भी वीडियो हुए हैं उनमें से एक भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जहां से 2 से 3 क्वेश्चन ना बने, इसलिए सीरीज को जरूर फॉलो करना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी लोगों के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप पर। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सिर्फ आपको ये फ्री पीडीएफ सेक्शन पर जाना है और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैंने ये कोर्स बनाया हुआ है 4 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में कवर कर रही हूँ। इसको जाकर के एक बार जरूर एक्सप्लोर करो, लगता है तो कोर्स में एनरोल जरूर करना। चलो तो स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से हेडिंग डालो, नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि कल जीटी का पेपर भी है, सीयूईटी वालों का भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो कि नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर लिखो 106 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। ओके, अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है हम वो विथ मैप पढ़ने वाले हैं, राइट। अगर आपसे पूछे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, तो याद रखना है 567। अब देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सीधे इस डाटा को उठाते हैं और गूगल करते हैं। ठीक है, गूगल पर दिया हुआ हर डाटा करेक्ट नहीं है, गूगल पर आप भी चाहो तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो डाटा हम लोग आपके सामने लेकर के आते हैं ये गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लेकर के आते हैं, 3 से 4 बार इसे क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद ये डाटा आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, रेंडमली ऐसे एक वेबसाइट पर गूगल करके और आपके सामने हम कुछ नहीं लेकर के आते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ये सारा डाटा क्रॉस चेक है। अब आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, पर अभी हाल फिलहाल में ऑथेंटिक क्या है, 567 एंड 106 नेशनल पार्क, क्लियर है। अब देखो इसमें सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो यहाँ देखो इस मैप पर उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, क्या नाम है इसका, जिम कॉर्बेट। अब देखो इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ बेचारे साथ बड़ी नाइंसाफी होती है, इसका नाम बार बार बदला जाता है, 3 बार इसका नाम बदल चुका है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या था लिख लो, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद इसका नाम हुआ जिम, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब इसका नाम बदल करके जो प्रेजेंट में हो चुका है इसका नाम है राम गंगा नेशनल पार्क, एनपी लिख दिया मैंने, नेशनल पार्क, समझ में आई। तो सबसे पुराना कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, हाल फिलहाल इसका नाम क्या है, राम गंगा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी लिख लो यहाँ पर, इसकी स्थापना हुई थी, जस्ट सेकेंड, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, कब हुई थी, 1936 में हुई थी। ठीक है, अच्छा इसके साथ ये भी ध्यान रखो, नेक्स्ट पेज पर चलो, कि ये जो जिम कॉर्बेट, ये जो उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है, ये इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना। कब बना, 1 अप्रैल 1973 को। सो 1936 में तो इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, जिम कॉर्बेट की, जिम कॉर्बेट। तब इसका नाम क्या था,
तब इसका नाम क्या था? तब था इसका नाम हेली नेशनल पार्क, ठीक है। बट उसके बाद इसका नाम हुआ जिम कार्बेट और यही फर्स्ट टाइगर रिजर्व था। क्लियर है ये? क्लियर है सीक्वेंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सबसे पुराना है तो सबसे नया कौन सा है? फिर सबसे नया है इधर असम में, ये देखो रेड कलर का है असम। असम में सबसे न्यूएस्ट नेशनल पार्क है। न्यूएस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? ये है देहिंग पटकई। नाम लिख लो इसका, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है, यहां लिख लेती हूं देहिंग पटकई। ठीक है, कहां पर है? असम में। न्यूएस्ट है, न्यूएस्ट सबसे नया, सबसे सबसे नया नेशनल पार्क। क्लियर, आगे बढ़ो। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नेशनल पार्क की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। अब देखो ये जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है ना, ये इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा है ये, 5 किलोमीटर स्क्वायर जितना बड़ा है, बस 5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। नाम है इसका क्या? लिख लो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। कहां पर है? अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। क्लियर, सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड, तो सबसे छोटा ये है। तो फिर सबसे बड़ा कौन सा है? चलो उस पर बात करते हैं। इधर देखो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है यहाँ लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में है क्या? बिगेस्ट नेशनल पार्क, लिख लो वहां पर बिगेस्ट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन सा है ये? लिखो इसका नाम हेमिस हाई नेशनल पार्क। हेमिस हाई नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में। क्लियर है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। सबसे ऊंचा लिखो नेक्स्ट, सबसे ऊंचा है ना, यहां पर हेडिंग डालो, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन नेशनल पार्क। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, लिखो वहां पर अरुणाचल प्रदेश। ये देखो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जस्ट असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश। नाम क्या है? नाम दफा, ठीक है, क्या है? नाम दफा नेशनल पार्क। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, नाम दफा नेशनल पार्क, ठीक है, क नेशनल पार्क। क्लियर। अच्छा, अब आपसे कोई ये पूछे कि इंडिया में 106 नेशनल पार्क हैं, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किधर मिलता है? तो आपको याद रखना है जिधर से हम क्लास ले रहे हैं उसी स्टेट में जो है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, मतलब कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। कितने हैं? 11 नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। हमारे भोपाल में भी बहुत सारे हैं यहाँ, ठीक है, भोपाल में मतलब आसपास काफी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट जो है इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मणिपुर का है। ठीक है, देखो यहाँ पर है अपना मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में वर्ल्ड का एक अकेला लोता एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसे क्या कहा जाता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, है ना। लिख लो वहां पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क नाम लिख लो इसका, जरा जस्ट सेकेंड, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये किस पर है, ये लोकटक झील पर बना है, लोकटक झील पर बना हुआ है, लोकटक झील पर बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो और बात करते हैं अब। ठीक है, इसके बाद जस्ट मणिपुर के नीचे देखो मिजोरम। ठीक है, दिख रहा है मणिपुर के नीचे यहाँ पर मिजोरम क्या है, मिजोरम। मिजोरम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, फोंगपुई। फोंग फोंग लिखो वहां पर, फोंगपुई, फोंगपुई नेशनल पार्क। तो इसी को फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं। याद रखना, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ मिलता है, तो फोंगपुई मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम में, जस्ट इधर अपने मेघालय के नीचे, सॉरी मणिपुर के नीचे। ठीक है, आगे चलो। अच्छा देखो, अब ये जो नोट्स बना रहे हैं उसमें मैंने पहले ही कहा था कि 2 लाइन 3 लाइन में नोट्स बनेंगे, तो जो भी डाटा मैं लिखवा रही हूँ उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड करना रहे तो करना। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी असम की, है ना, असम की हमने बात की थी, न्यूएस्ट नेशनल पार्क के लिए देहिंग पटकई की बात हमने की। अभी देखो वहीं पर लिखो एक नेशनल पार्क है काजी रंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश मिक्स चलने दो। ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, लिख लो वहां पर एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा यहीं पर मिलता है ओरांग, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम अब कर दिया गया है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चलो, इधर आ जाओ, अब गुजरात में आ जाओ, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ठीक है, तो ये अपना गुजरात, इधर ये, ठीक है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गिर नेशनल नेशनल पार्क, ये किस लिए फेमस है गुजरात का। देखो फेमस फेमस चीजें पढ़ रहे हो, ये है एशियाई एशियन एशियन शेरों के लिए, है ना, एशियन टाइगर्स। ठीक है, एशियन टाइगर्स के लिए ये फेमस है, एशियाई एशियाई ये शक्कर का है, एशियाई शेरों के लिए है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अब बात करने वाले हैं टाइगर रिजर्व्स के बारे में। किसके बारे में, टाइगर रिजर्व्स, तो लिख लो वहां पर टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, जहां पर टाइगर्स को क्या सुरक्षित रखा जाता है। तो भाई ये टाइगर को रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो लगातार टाइगर्स के जो नंबर्स में जो कमी आ रही थी उसे रोकने के लिए इनको संभाल के रखना जरूरी था। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व्स बनाए जाना स्टार्ट किए जाने लगे। और इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत हुई है बच्चों एक प्रोजेक्ट से, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी टाइगर प्रोजेक्ट, लिखो वहां पर इंदिरा गांधी टाइगर टाइगर
प्रोजेक्ट, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं, इंदिरा गांधी टाइगर प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हुई कब हुई? 1973 में इसकी स्टार्ट हुई। किसने की, इसको स्टार्ट किसने किया, नाम लिखो जरा। इस इंदिरा गांधी टाइगर प्रोजेक्ट को मुझे फिर से लिखने दो यहाँ पर छोटे में, इंदिरा इंदिरा गांधी टाइगर प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत किसने की, इसकी शुरुआत की है, लिखना वहां पर इंपॉर्टेंट है, कैलाश कैलाश सांखला, कैलाश सांखला ने की, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टाइगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है किसे, कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर MAN, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहाँ के थे ये, राजस्थान के, कहाँ के थे, राजस्थान। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, 54 टाइगर रिजर्व, ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व रिजर्व्स, ठीक है, कितने हैं, 54 टाइगर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, इसकी बात करें तो ये है अपने महाराष्ट्र में, नाम है लिख लो वहां पर, बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और सबसे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करूं अगर मैं, बिगेस्ट बिगेस्ट टाइगर रिजर्व की बात की जाए अगर, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हो गया बोर। अब बिगेस्ट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है वहां पर, लिख लेना, नागार्जुन 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 श्री सेलम, श्री सेलम श्री सेलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व श्री सेलम, नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, लिख लो यहाँ पर AP, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये रहा। तो सबसे छोटा महाराष्ट्र में, उससे थोड़ा सा दूर आंध्र प्रदेश, अपोजिट में नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ो, इसके बाद लिखो कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो वही हमारा मध्य प्रदेश, MP, है ना, मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश, ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी है और इसी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, इंडिया ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर, क्या स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया, यही 2022 में, 2022 में प्रोजेक्ट टाइगर, या आप कह लो प्रोजेक्ट चीता, है ना, प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट पेज पर मैं इसको लेती हूँ, ध्यान से सुनना इसको, प्रोजेक्ट टाइगर या फिर प्रोजेक्ट चीता, है ना, दोनों एक ही तो बात है हिंदी इंग्लिश, प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ, ये हुआ है सितंबर 2022 में, किसने स्टार्ट किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, PM नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने अब स्टार्ट किया, तो मतलब क्या हुआ क्या इसमें, तो देखो याद है 8 चीते आए थे, 8 चीते मतलब 8 टाइगर आए थे, कहाँ से आए थे, निम्बिया से, कहाँ से आए थे, निम्बिया से, निम्बिया से कितने चीते लेकर के आए हम, रुक जाओ जरा इसको मिटाने दो, थोड़ा सा मात्रा की गलती हो गई है, निम्बिया, निम्बिया से आए
आर्ट टाइगर और खुद मोदी जी ने उनका जब रिलीज हो रहा था तो वो वहां पर प्रेजेंट थे। कहाँ रिलीज हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट है, तो इसी के किसी एक नेशनल पार्क में हुआ होगा, है ना। तो कौन सा? कूनो के कूनो कूनो नेशनल पार्क लिख लो वहां पर, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये यहाँ पर निम्बिया से 8 चीते लेकर के आए थे और मध्य प्रदेश के कूनो कूनो नेशनल पार्क में उनको छोड़ा गया, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट में, ठीक। चलो अब इसमें से ये भी लिख लो कि तीन जो थे नर थे और 8 थे ना, 5 थी मादा, मतलब कि 3 मेल थे और 5 फीमेल थे, ठीक है। इसके साथ एक और चीज लिखो कि 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड टाइगर डे कब? 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो नेशनल पार्क्स और जो टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर निकल करके आएगा, तो इस आई होप कि आपने इस सेशन को ध्यान से देखा होगा। ये पीडीएफ जैसे मैंने आपको कहा कि ऐप पर आपको मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप, स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप का नाम है। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।